नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले काफ़ी टाइम से मेरे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर, अभी जो वायरल डिजीज़ फैली हुई है जिसके कारण कि लंग्स फाइब्रोसिस की बहुत ही कॉमन कंडीशन हो गई है, उसके ऊपर एक आप वीडियो बनाएं और कौन कौन सी बेस्ट पॉसिबल होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इसमें अच्छे रिजल्ट देती है, तो प्लीज़ हमारे साथ आप शेयर करें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लंग्स फाइब्रोसिस, जिसको कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जिन लोगों का साइंस बैकग्राउंड है उनको समझाने की जरूरत नहीं है कि क्या लंग्स है और क्या फाइब्रोसिस होता है, लेकिन जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए हम थोड़ा इसको शॉर्ट में पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो बीमारी है उसका नाम है लंग्स फाइब्रोसिस। तो ये जो वर्ड है, अगर इसी को समझ लेंगे तो हमें डिजीज समझ में आ जाएगी। दोस्तों, लंग्स यानी हमारे फेफड़े, यानी हम बात कर रहे हैं हमारे लंग्स या फेफड़े से रिलेटेड बात करने वाले। सेकंड वर्ड था फाइब्रोसिस। दोस्तों, फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी अगर हमारे सॉफ्ट टिश्यूज है उनमें मान लीजिए कहीं स्कैर्स बन जाए, कहीं कोई निशान बन जाए, उनमें कठोरता आ जाए, उनके हार्डनिंग हो जाए, उनकी थिकनिंग हो जाए, तो इन सारी चीजों के कारण जो कंडीशन बनती है उसको फाइब्रोसिस कहते हैं। तो अगर इस तरह का फाइब्रोसिस आपके लंग्स यानी फेफड़े में हो जाए तो उसको लंग्स फाइब्रोसिस कहते हैं। दोस्तों, हमारे लंग्स या फेफड़े कैसे काम करते हैं, अगर मैं इसको आपको बहुत ही छोटे से एक एग्जांपल से और समझाने की कोशिश करूं, तो आपने जरूर कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक बलून या गुब्बारा फुलाया होगा। जब आप गुब्बारे को फुलाते हैं तो फैल जाता है और जब वापस उसमें से हवा निकलती है तो उसकी साइज छोटी हो जाती है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हमारे लंग्स यानी फेफड़े हैं जो हमें नहीं पता होता और रेगुलर कुछ इसी तरह से काम कर रहे होते हैं। जब हम सांस लेते हैं यानी जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी सराउंडिंग से, वातावरण से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है। इनफैक्ट हमारी बॉडी के हर सेल को, हर टिश्यू को, हर ऑर्गन को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। दोस्तों, ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर हमारे लंग्स यानी फेफड़े जाती है और वहां से जो हमारा ब्लड होता है, हमारा जो खून है, उसके साथ में एक्सचेंज हो जाती है और हमारी बॉडी के अंदर जो गंदी गैस जिसको हम CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं उसके साथ ये एक्सचेंज हो जाती है। ये थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े फैलते हैं और जब हम वापस एक्सहेल, जब सांस छोड़ते हैं, तो उनमें सिकुड़न होती है और हमारे जो बॉडी के अंदर से जो वेस्ट गैस है, सी कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमें नहीं चाहिए होती, वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है। इस तरह से हमारे लंग्स या फेफड़े काम करते हैं। दोस्तों, लंग्स फाइब्रोसिस के अंदर क्या होगा कि जब हमारे फेफड़े जो हमें फैलने चाहिए, जब हम इनहेल करते हैं उस टाइम हमें ऑक्सीजन लेने के लिए जो इनका एक्सपेंशन होना चाहिए उतना होगा नहीं, क्योंकि लंग्स में फाइब्रोसिस हो गया, वहां स्कैर्स बन गए, वो हार्ड हो गए, कठोर हो गए, तो उनकी जो इलास्टिसिटी या लचक थी वो कम हो गई, जिसके कारण आपके जो फेफड़े हैं प्रॉपरली काम नहीं कर पाते और हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। दोस्तों, यही कंडीशन होती है लंग्स फाइब्रोसिस के अंदर। दोस्तों, अगर अब हम समझने की कोशिश करें कि क्या कारण होते हैं जिसके कारण आपको लंग्स फाइब्रोसिस हो सकता है, दोस्तों इसके बहुत से कारण हैं, कोई एक सिंगल कॉज या कारण नहीं होता जिसके कारण कि लंग्स फाइब्रोसिस हो सकता है। जैसे हम रूटीन में बात करें तो बहुत सी वायरल डिजीजेज यानी वायरल बीमारियां होती है जिनका आपके लंग्स के ऊपर असर पड़ता है और उसके कारण आपको लंग्स फाइब्रोसिस हो सकता है, जैसा कि आजकल हम काफी कॉमन आजकल वायरल डिजीज के अंदर देख रहे हैं। दोस्तों, उसी तरह से वो लोग जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन यानी ऐसी जगह रहते हैं जहां की हवा साफ नहीं है, या आप जहां मतलब डस्ट ज्यादा है, जहां स्मोक या धुआं ज्यादा है, या जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्मोकिंग यानी बहुत ज्यादा कोई भी तरह से धूम्रपान की आदत पड़ी हुई है, बीड़ी सिगरेट वगैरह लेने की, तो ऐसे लोग या ऐसी फैक्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं जहां पर कोई तरह का स्मोक या धुआं हो रहा है, तो ऐसे लोगों को लंग्स फाइब्रोसिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों, काफी केसेस के अंदर एक डिजीज होती है जिसको ILD कहते हैं, यानी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। ILD जो डिजीज है उसके कारण भी लंग्स फाइब्रोसिस हो सकता है और कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसके अंदर की एग्जैक्ट कोई कॉज या कारण निकल के नहीं आता, उसको इडियोपैथी कंडीशन कहते हैं। तो ये अलग अलग कंडीशन या कारण होती है जिसके कारण आपको लंग्स फाइब्रोसिस हो सकता है और आजकल जो है वायरल डिजीज बहुत ज्यादा फैली हुई है जिसके कारण की लंग्स फाइब्रोसिस के पेशेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं और इसीलिए मेरे पास भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर, लंग्स फाइब्रोसिस के अंदर जो है एक वीडियो आप बनाएं। दोस्तों, अब हम बात करें क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर आप शुरू में याद करें तो मैंने बताया कि आपके लंग्स या फेफड़ों का क्या काम है और कैसे काम करते हैं। तो लंग्स फाइब्रोसिस में क्या हो गया कि हमारे लंग्स जो फेफड़े हैं प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे, प्रॉपर्ली फूल नहीं रहे, सिकुड़ नहीं रहे, तो हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी जो है वहां ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, यानी हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी और इसीलिए कुछ इस तरह के सिम्टम या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हमें क्या होगा कि जब ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो हमें शॉर्टनेस और
ब्रीथ होने लगेगी, यानी हमारी जो सांस है फूलने लगेगी। आप जैसे पहले मान लीजिए बहुत आराम से चलते थे, घूमते थे, कोई अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते थे, दौड़ लेते थे, सीढ़ियां चढ़ते थे, या आप रूटीन में भी अपना कोई काम करते थे, या आप स्पोर्ट्समैन थे तो आप आराम से करते थे, आपका सांस नहीं फूलता था। लेकिन जब अब आपको लंग्स फाइब्रोसिस हो गया है, आपके जो लंग्स की ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी थी वो कम हो गई है, यानी आपके बॉडी के आपको सेल्स को, टिश्यूज को जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पा रहा, क्योंकि उतनी ऑक्सीजन आपके लंग्स जो है ले नहीं पा रहे, इनका उतना एक्सपेंशन नहीं हो रहा। तो दोस्तों इन सारी चीजों से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, आपकी सांस फूलने लगेगी, आप थोड़ा सा चलेंगे सांस फूलने लगेगी, कई बार आपको बैठे बैठे भी लगेगा कि आपकी सांस फूल रही है, इस तरह की आपको सिम्टम या लक्षण देखने को मिलेंगे। दोस्तों इन सारी चीजों के साथ आपको चेस्ट पेन हो सकता है, यानी आपको ऐसा लगेगा मेरी छाती पर एक, आप कहने लगे एक दबाव सा हो गया है, कुछ मेरी छाती में एक भार सा बना रहता है, आपको इस तरह का चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों काफी लोगों के अंदर थकावट देखने को होगी, क्योंकि आपकी जब बॉडी को प्रॉपर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही तो एक फटीग आपको रहेगा, आप लेथर्जिक फील करेंगे, बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं फील होगी और हर टाइम को एक थकावट और सुस्ती बनी रहेगी, आपका मन करेगा बस मैं बैठा रहूं, लेटा रहूं, मैं चल फिर के भी कहीं नहीं जाऊं, इस तरह की आपको थकावट देखने को मिलेगी। दोस्तों लंग्स फाइब्रोसिस का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम यह भी होता है कि आपको ड्राई कफ यानी आपको सूखी खांसी होगी, और आपको सूखी खांसी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, और ये खांसी आपको काफी ज्यादा तंग करती है। दोस्तों लंग्स फाइब्रोसिस में आप वेट लॉस भी महसूस कर सकते हैं, यानी आपके लंग्स में अगर असर आ गया है तो आप देखेंगे आपका वेट यानी आपका जो भार है वो भी धीरे धीरे कम होने लगा है। और दोस्तों मैंने बताया ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसके कारण आपके जॉइंट्स यानी आपके जोड़ों में दर्द होगा और आपके मसल्स में भी दर्द आप महसूस करने लगेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे जब आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो आपके क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाए जा सकते हैं। देखिए इसके अंदर रूटीन के अंदर आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जा सकते हैं, जैसे आपका CBC SR वगैरह करवाया जाता है, उसी तरह से दोस्तों आपका CRP टेस्ट करवाया जा सकता है, आपका D-dimer टेस्ट करवाया जा सकता है, आपका IL-6 के टेस्ट भी करवाया जा सकता है, और भी बहुत से ब्लड टेस्ट हैं जो इस पर नीड और सिम्टम्स आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपका चेस्ट का एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो आपके डॉक्टर साहब करवा सकते हैं, और आपका HRCT यानी आपका जो है इसका एक CT भी करवाया जा सकता है, जो कि एग्जैक्टली आपको पूरा मार्किंग और सब बताता है कि आपके लंग्स के अंदर जो है लंग्स फाइब्रोसिस का जो है कितना मतलब स्टेज आ गया या कितना ये आपकी एडवांस स्टेज आपकी बॉडी के अंदर हो गया, वो एग्जैक्टली HRCT से ही पता चलता है। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस है जो कि आपके डॉक्टर साहब आपको सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो दोस्तों मैं आपको एडवाइस करूंगा कि लंग्स फाइब्रोसिस के अंदर या आपको कैसे आपको लगता है कि आपके अंदर कोई वायरल डिजीज आ गई है या आपको इस तरह के कोई सिम्टम आ गए हैं, आप कोई भी अपनी बॉडी में इस तरह का बदलाव महसूस कर रहे हैं, आपको तुरंत जाके अपने डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए। और दोस्तों यहां अलर्ट या सावधान होने वाली बात यह है कि अगर लंग्स फाइब्रोसिस का आप तुरंत ट्रीटमेंट ले लेते हैं, अपने डॉक्टर साहब के गाइडेंस में रहते हैं, तो आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है और ये जल्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों अगर हम प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, लापरवाही करते हैं, तो कई बार ये इरिवर्सिबल भी हो सकता है और आगे चल के हो सकता है आपको ट्रीटमेंट में जो है काफी लंबे समय तक आपको ट्रीटमेंट लेना पड़े या कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरी जो एडवाइस है वो ये है कि आपको जैसे ही कोई सिम्टम आए तुरंत जाके आपको अपने डॉक्टर साहब से कॉन्टैक्ट करना चाहिए और उनके गाइडेंस में प्रॉपर रहना चाहिए और सेल्फ ट्रीटमेंट ऐसे के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां कोई तरह का पॉल्यूशन है या धुआं है, डस्ट है, या अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो इन सारी चीजों को भी आपको तुरंत अवॉइड करना चाहिए और इनसे बचना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिंस की। दोस्तों होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी-अच्छी मेडिसिंस आती है जो कि आपको लंग्स फाइब्रोसिस के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, आपकी रिकवरी को फास्ट कर देती है और आपके लंग्स को वापस जो है आपकी जो वर्किंग एफिकेसी उसको तेजी से बढ़ा देती है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कौन सी मेडिसिन है जो अच्छे रिजल्ट देती है, तो जैसा कि आप जानते हैं मैं मेरे सारे वीडियोस में कहता हूं कि होम्योपैथी के अंदर एक ही बीमारी की बहुत सी मेडिसिन होती है और हर पेशेंट की क्या सिम्टम्स है, क्या हिस्ट्री है, क्या उसकी प्रेजेंट कंडीशंस है, कैसे उसका एग्रावेशन हो रहा है, कैसे एमलिरेशन हो रहा है, इन सारी चीजों के अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर साहब आपके लिए मेडिसिन देते हैं। इसलिए बेस्ट ट्रीटमेंट वही होता है जो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के गाइडेंस में लेते हैं। आपके नॉलेज के लिए दोस्तों मैं कुछ मेडिसिन शेयर कर रहा हूं जो रूटीन के अंदर इसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। दोस्तों मैं मेडिसिन की बात करूं तो सबसे पहली मेडिसिन है ब्रायोनिया। दोस्तों ब्रायोनिया लंग्स फाइब्रोसिस की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और ब्रायोनिया को 30 पोटेंसी में यूजुअली यूज किया जाता है। इसको दिन में 3 बार दिया जा सकता है स्टैंडर्ड डोज, और अगर कोई सीरियस कंडीशन है तो उसको अंदर आप इसको हर 1 घंटे से 2 घंटे से या 3 घंटे से एज पर नीड इसको रिपीट किया जा सकता है। दोस्तों ब्रायोनिया 30 को डायरेक्टली टंग जीप पे इसकी 3 बूंद डायरेक्टली आप ले सकते हैं या ग्लोब्यूल्स यानी दानों में मिक्स करके भी दी जा सकती है।
दोस्तों नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करें तो लंग्स फाइब्रोसिस के लिए स्पोंजिया एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और स्पोंजिया को 30 पोटेंसी के अंदर यूज किया जा सकता है। और जैसा कि ये मेडिसिन भी है तो इसको भी आप डायरेक्टली टंग यानी अपनी जीभ पे 3 बूंद ले सकते हैं या आप ग्लोब्यूल्स यानी दानों के अंदर भी आपको मिला के दी जा सकती है। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है एंटीमोनियम आर्सेनिकम 30। दोस्तों अगर पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंजा कोई भी तरह के वायरस के कारण कोई भी तरह की वायरल डिजीज से अगर आपको लंग्स फाइब्रोसिस हुआ है तो एंटीमोनियम आर्स एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसको 30 पोटेंसी में यूज किया जाना चाहिए और इसको भी डायरेक्टली 3 बूंद टंग यानी जीभ पे ले सकते हैं या ग्लोब्यूल्स के साथ दे सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें कि कितनी बार दी जानी चाहिए एंटीमोनियम आर्स तो इसको दिन में 3 बार तो जरूर दिया जाना चाहिए और अगर सीवियरिटी ज्यादा है एक्यूट कंडीशन है तो इसको फ्रीक्वेंटली यानी रिपीट भी आप बहुत सी बार कर सकते हैं। आप हर 1 घंटे से 2 घंटे से या 3 घंटे से एज पर नीड और सीवियरिटी ऑफ पेशेंट ये रिपीट की जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कैसी कंडीशन है। दोस्तों नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करें तो है एस्पिडियोस्पर्मा मदर टिंचर। दोस्तों एस्पिडियोस्पर्मा ओवरऑल आपके लंग्स का एक बहुत ही अच्छा टॉनिक है और एस्पिडियोस्पर्मा मदर टिंचर को जो है क्यू फॉर्म में यूज किया जाता है तो नेचुरली इसको आप जो है 1 कप पानी के साथ आपको लेना होता है। दोस्तों मदर टिंचर को लेने का तरीका आप जानते हैं कि एक जो कप होता है चाय पीने वाला वैसा 1 कप आपको क्लीन साफ सुथरा लेना चाहिए। उसमें 10 बूंद आप एस्पिडियोस्पर्मा मदर टिंचर डाल दें फिर उसमें ल्यूकोम थोड़ा गुनगुना पानी मिक्स कर दें और फिर उसको सिप बाय सिप धीरे धीरे घूंट घूंट करके दिया जाना चाहिए। इसको भी दिन में 3 बार लेना चाहिए। दोस्तों ये कुछ मेन मेडिसिन थी जो लंग्स फाइब्रोसिस के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसके अलावा भी और बहुत सी मेडिसिन आती जो एज पर सिम्टम्स और हिस्ट्री जैसा मैंने बताया आपके डॉक्टर आपके लिए डिसाइड कर सकते हैं। बस आप अपने डॉक्टर साहब के टच में रहिए मेडिसिन लीजिए और आप देखेंगे कि लंग्स फाइब्रोसिस के अंदर होम्योपैथी से आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको जानकारी दी है ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।